हेलो क्लास सिक्स, आज हम उद्गम का पार्ट 7 तुम्हारा सपना क्या है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उससे पहले समाधान उसका बताने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पाठ में आया है शब्द पिटारा है, उसमें जितने शब्द पिटारा में जितने शब्द अर्थ हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा। लेखक का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखेंगे आप, और शब्द विशेष दिया है पेज नंबर 70 पर अभ्यास के नीचे, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके अलावा इसमें दिया है उच्चारण अभ्यास एवं श्रुत लेख, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। तो ये सभी काम आपको अपनी कॉपी में करना है। और प्रश्न जो उत्तर जो है अभी मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ क्या के उत्तर करने हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप उत्तर जो है पूरे पूरे वाक्य में लिखेंगे, एक शब्द में नहीं लिखेंगे, एक शब्द में बिल्कुल उत्तर नहीं करेंगे आप इसका। तो इसमें मुख से में पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ बैठा हुआ था जब बूढ़े भिखारी ने उसे देखा। ठीक है, जब बूढ़े भिखारी, उत्तर उसका इस तरह से होगा, जब बूढ़े भिखारी ने लेखक को देखा था तब लेखक लीची के पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न है, भिखारी ने लेखक से क्या पूछा। भिखारी ने लेखक से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, भिखारी का सवाल लेखक को अजीब क्यों लगा। तो भिखारी का सवाल लेखक को अजीब इसलिए लगा क्योंकि यह सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। आगे लेखनी से पहला हमें प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुम और चीज़ों से ज़्यादा कामना करते हो, उसका पहला प्रश्न। यह प्रश्न किसने किससे पूछा, तो यह प्रश्न बूढ़े भिखारी ने लेखक से पूछा। ख, इस प्रश्न के उत्तर में लड़के ने क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में लड़के ने कहा, मेरा सपना है कि मेरा अपना एक कमरा हो। ठीक है, ग, इस समय लड़का जिस कमरे में रहता है वह कैसा है। इस समय लड़का जिस कमरे में रहता है वह एक बहुत बड़ा सा कमरा है, लेकिन उसमें वह अपने भाई बहनों के साथ रहता था। जब कभी उसकी आंटी आती तो वे भी उसी कमरे में रहती थीं। आगे प्रश्न है, अंत में क्या लड़के को अपने लिए कमरा मिला। हाँ, अंत में लड़के को अपने लिए एक कमरा मिल गया। इसका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए, पाठ पढ़िएगा, वहाँ से आप चुनिएगा और रिक्त स्थान भर के कॉपी में इसे करना है। प्रश्न नंबर 3, सही गलत ये भी आपको स्वयं से देखकर पढ़कर सही गलत का निशान लगाकर कॉपी में करना है। कुछ शब्दों में दिया गया है प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है, उन दिनों कैसे भिखारी मुश्किल से मिलते थे। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी मुश्किल से मिलते थे। अगला प्रश्न है इसका, भिखारी ने सपने की क्या परिभाषा बताई। भिखारी ने सपने का अर्थ बताया कि सपना का मतलब है आज़ादी। क्या पाने का कोई जादू फार्मूला होता है।
क्या पाने का कोई जादुई फार्मूला होता है? सपने को पाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, कुछ वाक्यों में। बूढ़ा भिखारी देखने में कैसा था? तो बूढ़ा भिखारी कुबड़ा था, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसकी आंखें भूरी थी, मानो जैसे आपके भीतर उतर ही जाएंगी। इसी का दूसरा भाग है कि क्या वह सदा से भिखारी था? नहीं, उसका अपना साम्राज्य था जिसे उसने खो दिया था। अगला प्रश्न है, बूढ़े ने आज़ादी पाने का क्या उपाय बताया? बूढ़े ने आज़ादी पाने का यह उपाय बताया कि अपनी आज़ादी अर्थात अपने सपने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना पड़ता है और हमेशा उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जब सब चीज़ों उसके लिए हमें सब चीज़ों को छोड़ देना होता है, जो भी इसके आड़े आता है उसे हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उसे पाने के लिए निरंतर रट नहीं लगाते रहना होता है, बस उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बूढ़े ने अपना सब कुछ कैसे खो दिया? बूढ़े ने लेखक को बताया कि बूढ़े भिखारी के पास वह सब कुछ था जिसकी लोग कामना करते हैं, लेकिन वह फिर और ज़्यादा की कामना करने लगा। और ज़्यादा की कामना करते करते उसने अपना एक साम्राज्य बना लिया, परंतु वह उस साम्राज्य को अधिक समय तक संभाल कर नहीं रख सका और उसे उसने खो दिया। आगे हम पेज नंबर 72 पर हैं। इसमें दिया है, नीचे लिखे सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलकर लिखिए। क है इसका, तुम सपने देखते हो, यहीं बैठे रहते हो। तुम सपने देखते रहते हो और यहीं बैठे रहते हो, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा, यह भिखारी था, उसने सवाल अंग्रेजी में पूछा। वह भिखारी था और उसने सवाल अंग्रेजी में पूछा। सपना अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। सपना अचानक चला जाता है या गायब हो जाता है। वह बुद्धिमान है, वह गरीब नहीं हो सकता। वह बुद्धिमान है इसलिए वह गरीब नहीं हो सकता। वह एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें मेरे भाई बहन भी रहते हैं। वह एक बहुत बड़ा कमरा है लेकिन उसमें मेरे भाई बहन भी रहते हैं। ये काम भी आपको कॉपी में करना है बच्चों। आगे निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाने के लिए दिया गया है, आज़ादी का आज़ाद, बुद्धिमता बुद्धिमान, विश्वास विश्वसनीय, मेहनत मेहनती, बुढ़ापा बूढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 दिया है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। तो तुम्हें पहला इसका है भाग, तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिल जाएगा? दूसरा है, तुम्हें असल में आज़ादी चाहिए, क्या तुम्हें आज़ादी चाहिए, क्या तुम्हें असल में आज़ादी चाहिए? ग, तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है? घ, सपने देखते हुए तुम यहीं बैठे रहते हो, क्या तुम सपने देखते हुए यहीं बैठे रहते हो? इन चीज़ों को संभालना कठिन हो जाता है, क्या इन चीज़ों को संभालना कठिन हो जाता है? तो बच्चों,
ये सारे प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे, जितने मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं वो सब कुछ आप कॉपी में करेंगे और स्वयं करेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे। आपकी लेखनी अच्छी होनी चाहिए, साफ से सफाई से आप कार्य कीजिएगा। तब तक अपना